हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लाई हूँ एक ऐसी पाव भाजी जो बहुत ही टेस्टी है, देखने में एकदम अलग है और बहुत सारी सब्जियों से बनी हुई है। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल फूड बेस्ड सिस्टर्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हींग। हींग डालने के बाद हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून जीरा। जब जीरा भी अच्छे से चटकने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है जो मैंने दरदरा पीसा है, एकदम महीन नहीं किया है। ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन नहीं डालना चाहते हैं तो आप ना डालें, बट पाव भाजी में तो लहसुन और प्याज के बिना टेस्ट भी नहीं आता है। जब भी अच्छे से भुन जाए हम इसमें ऐड करेंगे चॉप की हुई प्याज। मैंने यहाँ पे 1/2 बाउल जितना प्याज को चॉप किया है, एकदम महीन महीन चॉप किया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये लाइट पिंकिश कलर की ना हो जाए और इसकी किनारी हल्की सी गोल्डन ना हो जाए। अच्छे से भूनेंगे क्योंकि प्याज अगर अच्छे से नहीं भुनेगा तो वो एकदम पानी पानी पनी जैसी लगेगी। जब वो अच्छे से भुन जाएगा, देखिए प्याज अच्छे से भुन गया है, इसका कलर एकदम लाइट हो गया है। बस अब हम इसमें हम ऐड करेंगे हमारी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली है फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, यहाँ पे मैंने ली है कैबेज, पत्ता गोभी, सबको महीन महीन चॉप किया है। यहाँ पे मैंने मटर ली है, ये फ्रोज़न मटर है, आप चाहें तो कच्ची मटर को बॉईल करके यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे कैप्सिकम लिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पाव भाजी में सब्जियाँ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बट मैं बना रही हूँ यहाँ पे हरी पाव भाजी, इसलिए मैंने यहाँ पे टमाटर यूज़ नहीं किया है। जो भी ग्रीन सब्जियाँ होती हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उबला हुआ आलू लिया है, ये मीडियम साइज़ के 4 आलू हैं जिसको मैंने हाथ से मैश किया है। बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी सारे आपको पीसेस जो है थोड़े अलग अलग लग रहे होंगे, धीरे धीरे जैसे हमारी सब्जी बनेगी वैसे वैसे सब इसको हम मैश करते जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए हम हाई कर देंगे, तब तक अच्छे से मिक्स होता है क्योंकि सब्जियों में थोड़ा पानी है। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने यहाँ पे पालक की प्यूरी यूज़ की है। बस नॉर्मली हमने पालक को बॉईल किया है, ठंडे पानी में डाला है और आइस क्यूब के साथ इसकी प्यूरी बनाई है, तभी इसका कलर इतना ग्रीन है, तभी हमारी जो पाव भाजी वो एकदम ग्रीन कलर की बनेगी। थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि जार में हमारी प्यूरी लगी थी, वो नॉर्मली सब ही करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नॉर्मल पाव भाजी आपको रेड कलर की स्पाइसी ऑयली लगेगी, इसमें हम गर्म ऑयल भी यूज़ करेंगे और टेस्टी भी बहुत लगेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे पाव भाजी मसाला। मैंने 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डाला है। अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें और डाल सकते हैं। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट डाला है। फिर मैंने यहाँ पर गर्म मसाला है, ये मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, ये मेरा होममेड गर्म मसाला है। फिर मैंने इसमें जीरा पाउडर यूज़ किया है, वो भी 1/2 टीस्पून जितना जीरा पाउडर यूज़ किया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम जो हमारा मैशर होता है उससे हम इसको मैश करेंगे। पहले हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर गैस का फ्लेम हम हाई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी क्योंकि सब्ज़ी ड्राई है और हमने जो बंद गोभी और फूल गोभी यूज़ की थी वो कच्ची ही यूज़ की थी। बस अब हम इसको स्पून का हटा के जो मैशर होता है उससे मैश करेंगे। अभी थोड़ा ही मैश करेंगे, प्रॉपरली जब सब्जी कुक हो जाएगी तब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। देखिए इसे मैश करके अभी हम इसको पकाएंगे क्योंकि हमारी सब्जियां जो हैं वो कच्ची हैं। बस इसको हम जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम रख देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे यहाँ पर थोड़ा पानी कम लग रहा था तो मैंने इसमें पानी ऐड किया है, मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इसको कवर करके हम पकाएंगे इसको 8 to 10 मिनट, ताकि हमारी भाजी जो है वो अच्छे से पक जाए और जो सब्जियाँ कच्ची थी वो भी अच्छे से पक जाए। देखिए सब्जी पक गई है, कलर भी इसका चेंज हो गया है, एकदम ग्रीन हो गया है। बस अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब्जी हमारी नीचे पैन में ना लग जाए। इसको हम एक बार, हमारी सब्जी पक गई है, इसको एक बार फिर से हम मैश करेंगे इस तरह से। इसमें सब्जियाँ थोड़ी घुटी हुई अच्छी लगती हैं और ये बहुत हेल्दी भी है, हेल्दी वर्जन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जी यूज़ हुई है और आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ी और घुटी हुई सब्जी ही अच्छी लगती है। इसमें मैंने बटर डाला है, बटर के बिना तो पाव भाजी का टेस्ट ही अधूरा है। पर इसको हम कवर करेंगे, कवर करके हम 6 to 7 मिनट इसको अभी और पकाएंगे। देखिए 6 to 7 मिनट हो गए हैं, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए पाव भाजी कितनी एकदम मैश हो गई है अच्छे से।
बस हम इसको इतना ही पकाएंगे और इससे ज़्यादा घुटी हुई तो फिर अच्छी भी नहीं लगेगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका मस्त ग्रीन कलर आया है, कोई हमने अलग से कलर यूज़ नहीं किया है, वेजिटेबल से ही बनाया है। पालक तो वैसे भी बहुत हेल्दी होता है। मेरे पास नींबू नहीं थे तो मैंने यहाँ पे नींबू के फूल यूज़ किए हैं और यहाँ पे ग्रीन जो कोरिएंडर है उससे गार्निश किया है। ये ग्रीन ग्रीन पाव भाजी रेडी है। ये खाने में उतनी ही टेस्टी है और टेस्ट भी वैसा ही लगेगा जैसे आपका नॉर्मल रेड पाव भाजी में लगता है। देखिए लग रही है ना एकदम टेस्टी, और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स को यूज़ किया है। आइए सर्व करते हैं। पाव के साथ सर्व करेंगे, आप चाहें तो कुछ लोग पराठे के साथ इंजॉय करें। और अनियन है, हरी मिर्च है, थोड़ा सा गार्निश करेंगे हरे धनिए से। सर्व करेंगे इसको बटर के साथ में। हमारी ग्रीन पाव भाजी एकदम रेडी है, आप इंजॉय करें एंड मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ग्रीन पाव भाजी कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंबई का फेमस वड़ा पाव, जो कि आजकल दिल्ली में बहुत ही फेमस है और बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। तो सोचा क्यों नहीं हम भी इसे ट्राई कर लें। अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो आप एकदम मुंबई स्टाइल वड़ा पाव का टेस्ट पाएंगे। चलिए अब हम भी मुंबई का फेमस वड़ा पाव बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसमें मैंने थोड़े से करी पत्ते ऐड करे हैं। करी पत्ते डालने के बाद मैंने उसमें पिंच ऑफ हींग ऐड करा है और हींग के बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून राई डाला है। जब राई अच्छे से क्रैकल हो जाए इसके बाद मैंने इसमें 2 ग्रीन चिली चॉप करके डाली है। जब ग्रीन चिली अच्छे से सॉटे हो जाए उसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। जब हल्दी अच्छे से पक जाए उसके बाद हम इसमें उबले और मैश करे हुए आलू इसमें मिलाएंगे। यहाँ लगभग मैंने 5 से 6 छोटे आलू लिए हैं जिन्हें मैंने उबाल लिया है और हाथों से अच्छे से मैश कर लिया है। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू को हमें दबाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें थोड़े हम सूखे मसाले ऐड करेंगे जिसमें मैंने सॉल्ट टू टेस्ट डाला है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला डालने के बाद अब हम इन आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और देखिए मैं इसे स्पैचुला की हेल्प से दबाते हुए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हम इसे अच्छे से मैश इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बॉल बनाने में आसानी हो। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए हमारा वड़ा का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इस मिक्सचर को साइड से रख देंगे जब ताकि ये हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम एक बेसन का बैटर बनाएंगे जिसके लिए मैंने एक बाउल में 1 बाउल बेसन लिया है और सॉल्ट टू टेस्ट लिया है। सॉल्ट डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है जिसे मैंने हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करा है। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक बैटर बनाएंगे। और आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि पानी को आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो हमारा बैटर गीला भी हो सकता है। और देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बैटर बना रही हूँ। हमें इस बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा गाढ़ी रखनी है और ना ज़्यादा ही पतली रखनी है। अगर हम पतला रखेंगे तो हमारे वड़े अच्छे नहीं बनेंगे और अगर गाढ़ा रखेंगे तो हमारे जो वड़ा है उसमें बहुत मोटी मोटी बेसन की कोटिंग हो जाएगी। इसलिए देखिए इसमें मैंने लगभग 1 बाउल बेसन में मैंने 1/2 ग्लास वाटर ऐड करा है। अब हम इस बैटर को आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और आधे घंटे के बाद देखिए हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी है। अब इसके बाद जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया था उसके हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे। देखिए मैंने इसे ज़्यादा ना ज़्यादा बड़े गोले बनाए और ना ज़्यादा ही छोटे बनाए। आपको इसी तरह से सारे जो आलू का मिक्सचर है उसके हम गोल गोल वड़े बना लेंगे। और देखिए इसी तरह से मैंने सारे वड़े बना के रख लिए हैं। अब हमने जो बेसन का बैटर लिया था उसके हम पहले थोड़ी सी बूंदी बनाएंगे। मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और उसे अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद मैंने जो बेसन का बैटर बनाया था उसके हम हाथों से थोड़ा थोड़ा ड्रिजल करते हुए एकदम क्रिस्पी बूंदी बनाएंगे। इस बूंदी को हम जो हमारी रेड चटनी है उसमें यूज़ करेंगे। और देखिए मैंने सारी बूंदी को ऑयल में से निकाल के एक साइड से रख लिया है। इसके बाद हम अपने वड़े सेकेंगे जिसके लिए मैंने जो गोले बनाए थे उसे हम बेसन के बैटर में डिप करेंगे और गरम तेल में डीप फ्राई करने के लिए डाल देंगे। और देखिए मैंने एक एक करके वड़ा को गरम तेल में डाल दिया है। और आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप वड़ों को तलें तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हल्का गर्म होना चाहिए।
हमें ना इसे लो से मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई किया है। अगर आप ज़्यादा तेज आंच पे सेकेंगे तो अंदर बैटर कच्चा रह जाएगा और वो ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे। और देखिए मैंने इसे लो से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर ली है और देखिए इनके ऊपर कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम मैंने ऑयल से निकाल लेंगे और लीजिए हमारे वड़ा बन के तैयार हैं। चलिए अब हम वड़ा पाव की जान उसकी रेड चटनी वो हम बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने एक पैन में 1/2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डाली हैं और जब लहसुन जो अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें हम 4 से 5 साबित लाल मिर्च डालेंगे। ये लाल मिर्च जो है ये ज़्यादा तीखी नहीं है। जब ये अच्छे से सौटे हो जाए दोनों चीज़ों को हम पैन में से निकाल लेंगे और इनको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। और जब ये दोनों चीज़ अच्छे से ठंडी हो जाए इसे हम एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जार में ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स और मिलाएंगे और जो हमने बूंदी फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। बूंदी डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है। रेड चिली पाउडर डालने के बाद इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। लीजिए हमारी वड़ा पाव की जान रेड चटनी बनके तैयार हो गई है। चलिए अब हम अपने वड़ा पाव असेंबल करते हैं। जिसके लिए मैंने पाव लिए हैं और उसे मैंने बीच से काट लिया है। इसके बाद मैंने इसके एक साइड पे ग्रीन चटनी लगाई है। ग्रीन चटनी लगाने के बाद हमने जो रेड चटनी बना के तैयार करी थी उसे हम इसके दूसरी साइड पर लगाएंगे। इस रेड चटनी से वड़ा पाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये इस वड़ा पाव की जान है। अगर ये चटनी नहीं बनाए तो उसमें वड़ा पाव का टेस्ट ही नहीं आएगा। अब इसके ऊपर हमने चटनी लगा ली है। चटनी लगाने के बाद हमने जो वड़े सेक के रखे थे वो हम इसे असेंबल करेंगे। इसके बाद जो हमने क्रिस्पी बूंदी बना के तैयार करी थी वो हम इसमें बीच में डालेंगे और इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और एक्स्ट्रा क्रंची होते हैं। और लीजिए हमारा वड़ा पाव बन के तैयार है। इसे आप तली हुई हरी मिर्ची के साथ खाइए, इससे इसका स्वाद और दोगुना हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।